Shout out to Arnit Chatterjee for predicting the correct scoreline for last night's match, जो कि हुआ था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC और SC ईस्ट बंगाल FC के बीच में. तो congratulations bro, here's your shout out. तो guys, अब मैं कुछ समय के लिए ये shout out वाली स्कीम बंद कर रहा हूँ, तो कुछ टाइम बाद फिर से शुरू कर देंगे, पर फ़िलहाल के लिए ये ऑफिशियली बंद है अभी. कल शाम को ATK मोहन बगान खेलेगी जमशेदपुर FC के अगेंस्ट. तो सबसे पहले बात करेंगे दोनों ही टीम्स के फॉर्म के बारे में. तो अभी तक इंडियन सुपर लीग सीजन 7 में ATK मोहन बगान ने खेले हैं 3 मैचेस और अपने तीनों ही मैचेस को जीती है ATK मोहन बगान की टीम. वहीं पर जमशेदपुर FC को अभी तक एक भी विक्ट्री नहीं मिली है हीरो इंडियन सुपर लीग सीजन 7 में. अपने पहले 3 मैचेस में जमशेदपुर FC ने 2 मैचेस ड्रॉ किए हैं और 1 मैच हारी है. तो जमशेदपुर FC की टीम इस आने वाले मैच में बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकती है ATK मोहन बगान के लिए, क्योंकि इनके पास सबसे पहले तो क्वालिटी है, और जब आपके पास क्वालिटी हो, पोटेंशियल हो और आपको विक्ट्री ना मिले तो आप बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं. इसलिए मुझे लगता है कि ATK मोहन बगान को वही डिफेंसिव डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा इस मैच में भी जो उन्होंने दिखाया है अपने पहले 3 मैचेस में. तो अब बात करेंगे दोनों ही टीम्स के पॉसिबल लाइनअप के बारे में. तो शुरुआत करते हैं ATK मोहन बगान के पॉसिबल लाइनअप से. तो कुछ देर पहले ही मैंने हबास का एक इंटरव्यू देखा है जहां पर उन्होंने कहा है कि मिडल ऑफ़ द पार्क यानी कि मिडफील्ड में उन्हें और ज़्यादा क्रिएटिविटी की ज़रूरत है. साथ ही साथ उन्होंने एडू गार्सिया और डेविड विलियम्स पे भी अपडेट दी है कि वे शायद रिकवर हो गए हैं और अवेलेबल हों इस मैच के लिए. तो मुझे लगता है कि कुछ इस प्रकार होगा ATK मोहन बगान का पॉसिबल फॉर्मेशन. तो एडू गार्सिया और डेविड विलियम्स बेंच पर होंगे क्योंकि अभी अभी इंजरी से रिकवर किए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हबास उन्हें स्टार्ट करेंगे. तो कुछ इस प्रकार होगा ATK मोहन बगान का पॉसिबल लाइनअप. सब कुछ सेम है, बस एक मिडफील्ड में आप एक ट्रियो देख सकते हैं कि ब्रैड इनमैन स्टार्ट करेंगे सेंट्रल मिडफील्ड की पोजीशन में, उनके साथ होंगे कार्ल मैक्यू और अटैकिंग मिडफील्ड में होंगे हावी हर्नांडिस. तो ये तुरुम का इक्का साबित हो सकता है ATK मोहन बगान के लिए इस मैच में, क्योंकि हबास ने भी स्टेट किया है अपने इंटरव्यू में कि ATK मोहन बगान के पास इस समय मिडल ऑफ द पार्क यानी कि मिडफील्ड में क्रिएटिविटी की कमी है. तो मुझे लगता है कि ब्रैड इनमैन को सेंट्रल मिडफील्ड में खिलवाकर और हावी को आगे अटैकिंग मिडफील्ड में भेजकर थोड़ी सी क्रिएटिविटी लाई जा सकती है ATK मोहन बगान की मिडफील्ड में. अब गाइस बात करेंगे जमशेदपुर FC के पॉसिबल लाइनअप के बारे में. तो कोच ओवन कॉयल यूज़ करेंगे अपना प्रेफर्ड 4-2-3-1 का फॉर्मेशन. तो गोलकीपर होंगे पवन कुमार, राइट बैक संदीप मंडी, लेफ्ट बैक रिकी, 2 सेंटर बैक्स होंगे पीटर हार्टले और स्टीफन एजे, 2 डिफेंसिव मिडफील्डर्स होंगे अमरजीत सिंह कियाम और ओइटोर मोनरोय, अटैकिंग मिडफील्ड में होंगे एलेक्स लीमा, राइट विंगर जैकी चंद सिंह, लेफ्ट विंगर आईसैक और सेंटर फॉरवर्ड होंगे नेरिवस वाल्सिस. गाइस मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा फोकस अपना एलेक्स लीमा पर ले जाए, क्योंकि कल के मैच में ये जमशेदपुर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह का ATK मोहन बगान का डिफेंस है, अगर जमशेदपुर FC की टीम चाहती है उसे खोलना तो एलेक्स लीमा को अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी. और अगर ATK मोहन बगान की टीम एलेक्स लीमा को चुप रखती है तो जमशेदपुर FC की टीम भी चुप हो जाएगी. पर अगर एलेक्स लीमा को मौका दिया इनकी क्रिएटिविटी दिखाने का तो फिर ये हार्म करेंगे ATK मोहन बगान को. तो मुझे पर्सनली लगता है कि एक मिडफील्ड बैटल होने वाला है कल एलेक्स लीमा और कार्ल मैक्यू के बीच में, क्योंकि मुझे लगता है कि ATK मोहन बगान के कोच एंटोनियो लोपेस हबास मैक्यू को बोलेंगे कि आप एलेक्स लीमा को मार्क कीजिए, और आपको पूरे मैच के दौरान मैक्यू बार बार फाउल करते हुए दिखेंगे एलेक्स लीमा के ऊपर. तो ये एक एक्साइटिंग बैटल होगा मिडफील्ड में और इसे देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. तो गाइस दैट्स इट विद द वीडियो. ये था मेरा एनालिसिस, ये था मेरा प्रीव्यू. आई होप आपने इंजॉय की हो ये वीडियो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. गुड बाय, पीस आउट.